की गई है। जब्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, नशे में बताया जा रहा है कि आरोपी युवक जो था इसने बुजुर्ग की पिटाई की। रोडवेज का ये मामला, रोडवेज के बाद बुजुर्ग की पिटाई का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं, देखिए किस तरह से बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। रोडवेज के बाद बुजुर्ग की पिटाई की गई। 100 नंबर पर कॉल भी किया गया था सहायता लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा। रोडवेज के मामले अक्सर दिल्ली और गाजियाबाद से आते रहते हैं, और ऐसा एक मामला आया रोडवेज के बाद, एक बुजुर्ग की पिटाई की गई। बाइक सवार ये युवक नशे में धुत बताया जा रहा है, इसने इस बुजुर्ग की पिटाई की है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हैं। जितेंद्र, जरा विस्तार से बताइए क्या हुआ था दरअसल। देखिए मैं आपको बता दें, गाजियाबाद का पॉच इलाका है, एएसडी सेंटर, जहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। तस्वीरों को देख सकते हैं आप कि शख्स बिल्कुल नशे में धुत है, जिसने रोडवेज की गाड़ी पर टेक ओवर किया। उसके बाद इसने एक बुजुर्ग को गाड़ी से उतारा और बे इंतहा उसकी पिटाई करने शुरू कर दी। कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील मामला है। ये बुजुर्ग काफी उम्र दराज व्यक्ति है और ये शख्स जो है युवक नई उम्र का है, जिसने शराब पी रखी थी, जिसने गाड़ी से उतार कर उस बुजुर्ग की बेहद पिटाई गई, डंडों से पिटाई गई, यानी कि उनका सर में काफी इंजरी आई है। इसके तहत अगर 100 नंबर पर फोन की गई तो पुलिस कहीं पता नहीं चला, जबकि 100 नंबर पर सूचना देने पर तकरीबन 15 मिनट के अंदर पुलिस को आ जाना चाहिए। पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही। युवक बेइंतहा पिटाई कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से युवक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि एक चीज और देखने को मिली है, तमाम लोग इकट्ठा है लेकिन कोई भी बीच विचार नहीं करता, यानी कि किसी को आज तक किसी से कोई लेना देना नहीं है। वही बुजुर्ग की बेइंतहा पिटाई की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आज कोई सोचता है कि पचरे में ना पड़े, लेकिन मानवता के नाते कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। और शायद ये बुजुर्ग जितना इसकी पिटाई हुई है, इस तरह की घटना ना होती अगर वहां पर लोग एक्सेप्ट में आते जो मौजूद हमें दिख रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि क्या अब तक कोई कार्रवाई इस आरोपी युवक के खिलाफ हुई है। जी बिल्कुल मनु, आपको बता दें कि ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। बात पुलिस के अधिकारियों ने इस वीडियो को मांगा था, जो कि हमने इस वीडियो को प्रोवाइड करवाया पुलिस के अधिकारियों को। पुलिस के कॉन्स्टेबल जब आए तो उन्होंने भी हमसे वीडियो मांगा था, जबकि आला अधिकारी जब वहां पहुंचे तो हमने उनको वीडियो दिया। उस वीडियो के आधार पर इसमें से युवक के फोटो निकाले गए हैं और अब पता पड़ताल की जा रही है कि युवक कहाँ से है, और इस युवक के फोटो को वायरल किया गया है। हर तरीके से इस युवक की जांच पड़ताल की जा रही है। जितेंद्र, आखिरकार हुआ क्या था, क्यों इस युवक को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? अब बताइए भी जा रहा है कि ये युवक जो बाइक पर सवार था, जिसने पिटाई की है इस बुजुर्ग शख्स की, वो नशे में भी धुत था। बिल्कुल, आपको बता दें मनु कि ये जो युवक है, ये गाड़ी जो आपके टू व्हीलर से चल रहा था, बाइक सवार था, और इसकी बाइक और ये रोडवेज को टेक ओवर कर रहे थे। वही इनको खिड़की में बैठे एक शख्स ने समझाया कि इस तरीके की आप जो कर रहे हैं ये आपकी जानलेवा हो सकता है। उसको लगा कि इसने रोडवेज को टेक ओवर किया और रोडवेज तो वहीं जाकर रोक लिया, रोडवेज के आगे अपनी बाइक खड़ी कर दी। उस शख्स को जो बुजुर्ग वाले हैं उनको गाड़ी से खींच के निकाला और उसकी पिटाई करने लगे। यहाँ तक इसका गुस्सा बिल्कुल कभी भी शांत नहीं हुआ। इसने एक डंडा दिया और युवक के, यानी कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग के सर पर मार दिया। बुजुर्ग का सर बिल्कुल पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन तमाम जानकारी आने के लिए दिल्ली एनसीआर को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों लोग इतने ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। और ये आप देख रहे हैं, एक यंग जो मैन है, इसे इतना ज्यादा गुस्सा आया, किसी समझाने की कोशिश करा था, दिल्ली बोर्ड में बैठा था कि इस तरह से अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं तो ये आपके लिए जान का खतरा हो सकता है। और यही बात उसको नागवार गुजरी, उसको लगा कि दूसरे लैंग्वेज से आगे एक दूसरे को घुस कर रहा है बिना सच्चाई।